एमसीडी चुनाव में काशी विश्वनाथ और राम मंदिर का मुद्दा भी उठ रहा है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा एमसीडी इलेक्शंस में। हम लोग अपने जीते जी राम मंदिर देखेंगे, ये कह रहे हैं बीजेपी सांसद रवि किशन। बीजेपी सरकार में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हम लोगों के लिए जगह है, ये कहा है रवि किशन ने। सुनिए, अपने जीते जी मंदिर देखल जाए, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गई यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद बाड़न। पहली बार तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हम लोगों के लिए जगह है। तो बीजेपी सांसद रवि किशन ने किस तरह से मुद्दा उठाया है राम मंदिर का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो जिक्र कर रहे हैं। वो ये जिक्र कर रहे हैं कि हिंदू अब जाग चुका है। इन तमाम बातों का जिक्र बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया है। और संजीव कौशिक जी, देखिए सवाल ये, इस तरह के मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को उठा रही है, और आपसे ये पुजारी दिल्ली के सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई बराबरी का दर्जा क्यों नहीं। ठीक है, वक्फ बोर्ड के नियम कायदों की आप दलीलें दे रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस बारे में कभी विचार किया कि मुअज्जिनों को अगर मस्जिदों के तनख्वाह दी जा रही है तो पुजारियों को भी दे दी जाए, सोचा इस बारे में आप लोग? समीर भाई, हम भी चाहते हैं कि देश के मंदिर के पुजारियों को भी तनख्वाह के तौर पर या इस तरह के पैसे मिलने चाहिए उनको। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए केंद्र सरकार पहल तो करे। केंद्र सरकार एक कानून बनाए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया उसी तरह से एक बोर्ड धार्मिक न्यास का निर्माण करे उसमें, और जिस तरह से वहाँ की संपत्तियों को एक जगह वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से मिलने वाली आय को इन लोगों के बीच में दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी नियम बनाए। केंद्र सरकार पहल करे। हम कह रही है कि हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते, हिंदू मुस्लिम तो आम आदमी पार्टी कर रही है इस तरह की चीजों को करके। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि हम केंद्र सरकार से ये बात मांग कर रहे हैं कि वो इस तरह के न्यास का निर्माण करे और इस तरह से इन लोगों के लिए भी व्यवस्था करे। अगर ये एक निजी ट्रस्ट है जो मंदिर की सारा रखरखाव करती है तो इनकी सैलरी को लेकर अलग नियम बने हुए हैं, इसीलिए मैंने वक्फ के फाइनेंस मॉडल का यहां पर थोड़ी देर पहले जिक्र किया था।